नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम गाजर के लड्डू बनाएंगे। इस गाजर के लड्डू को आज हम बिना घी बिना दूध के बनाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो मिठाई में घी और दूध खाना नहीं पसंद करते हैं। ये लड्डू स्पेशली उन लोगों के लिए है और इस लड्डू को बनाने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। गाजर के लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर लिया है। गाजर को मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। गाजर को हमें बहुत ज़्यादा बारीक कद्दूकस नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही हमें इसे कद्दूकस करना है। आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें लड्डू को बनाना है। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। गैस ऑन कर लेंगे। साथ ही साथ यहीं पे हम चीनी डाल देंगे। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा 400 ग्राम चीनी लिया है। 1 किलो गाजर के लिए हमें 400 ग्राम चीनी की आवश्यकता है। इतना चीनी 1 किलो लड्डू के लिए सफिशियंट है। गाजर के साथ चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस को आंच तेज कर देंगे और इसे 2 मिनट तक बिना ढके पकाएंगे। जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी वैसे वैसे इसमें से पानी निकलने लगेगा। 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी पानी निकलने लगा है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम आँच पर पकाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार हम इसे चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो आइए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका पानी सूख गया है और इसमें बस थोड़ा ही सा गाजर का रस बचा हुआ है। इतना ही हमें इसे सुखाना है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ों को डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मावा लिया है जिसे खोआ बोलते हैं। ये ऑप्शनल है लेकिन इसे डालने से लड्डू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसके बगैर भी इस लड्डू को आप बना सकते हैं। इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 150 ग्राम नारियल का बुरादा डाल देंगे। गाजर और नारियल का बुरादा दोनों को मिक्स करके जब हम लड्डू बनाते हैं तो पूछिए ही मत, लड्डू का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि अगर आपने इसे एक बार बना के खा लिया तो आप इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम नारियल का बुरादा डाला है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि इसमें हल्का सा जो रस है वो अच्छे से सूख जाए और जो ये मिश्रण है वो कढ़ाई के तले से बिल्कुल भी चिपके ना। 5 मिनट मैंने इसे और पका लिया है और ये बिल्कुल भी कढ़ाई के तले से चिपक नहीं रहा है। मिश्रण हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तो मैंने 5-6 इलायची लिया है। इलायची को कूट के मैंने उसका पाउडर तैयार कर लिया है। छिलका मैंने उसका हटा दिया था। इलायची पाउडर डालने से लड्डू में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं लेकिन नारियल के बुरादा और गाजर का अपना ही एक अच्छा टेस्ट आता है तो इसमें ड्राई फ्रूट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम गैस बंद कर देंगे और मिश्रण को ठंडा होने के लिए एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और लड्डू का गोल आकार देते हुए इस प्रकार से लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे या बड़े बना सकते हैं। लड्डू बनाने से पहले हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि मिश्रण हमारे हाथ में चिपके ना। ये देखिए, हमारा एक लड्डू बन गया है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल रख लेंगे। एक एक करके इसी प्रकार से हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। इस लड्डू को बनाने में आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये लड्डू। ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो काजू या बादाम से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं।
लड्डू की इस रेसिपी को आप भी एक बार ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं वो मेरे उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मिंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।